मेहंदीपुर बालाजी कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से सतर्कता के चलते रामनवमी पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सहित सीताराम मंदिर के कपाटे बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक बालाजी मंदिर सहित सीताराम मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शनों पर रोक है। पूर्वी राजस्थान के सबसे बड़े धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में मंदिर इतिहास में दूसरी बार बंद कपाटों में प्राचीन सीताराम मंदिर में श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मनाया गया। इसी दौरान मंदिरों में एक दो पुजारियों और सीताराम मंदिर में नरेशपुरी महाराज ने सर्वप्रथम मंदिर में रामलला का पंचामृत स्नान कराकर नवीन वस्त्र धारण कराए। गर्भगृह की मनमोहक साज सज्जा की गई। करीब 12:15 पर रामलला के जन्मोत्सव के साथ ही मंदिर के घंटे, घड़ियाल व मंदिर परिसर में जय श्री राम और भय प्रकट कृपाला के साथ सादगी से जन्मोत्सव मनाया गया और नरेशपुरी महाराज ने महाआरती के साथ रामलला की विशेष पूजा अर्चना की तथा भगवान को चूरमा व पंचामृत की प्रसादी के साथ 56 भोग लगाया गया। सीताराम मंदिर में किसी भी व्यक्ति को मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। नरेशपुरी महाराज ने देश एवं प्रदेश के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी से कोरोना की बीमारी के नाश की प्रार्थना की। माँ भगवती के अनुष्ठान के पर्व पर नवरात्र और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन जन्मदिन रामनवमी पर नरेशपुरी महाराज ने देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आप और हम लोग घरों में रहकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा नियमों के आदेशों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और 2 गज की दूरी और मास्क लगाने के नियमों का पालन करें, जिससे कोरोना के वायरस की दूसरी लहर को देश में फैलने से रोका जा सकेगा। गौरतलब है कि मेहंदीपुर बालाजी सीताराम मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से रामनवमी मनाई जाती थी। मेहंदीपुर बालाजी में रामनवमी पर अयोध्या नगरी जैसा भव्य रूप दिखा जाता है। विशेष झांकियां सजाई जाती थी जिसे देख देश के कोने कोने से हजारों श्रद्धालु बालाजी धाम आते थे। मेहंदीपुर बालाजी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण की सतर्कता के चलते यहां होने वाले सारे कार्यक्रम पहले ही रद्द कर दिए गए थे, जिससे यहां बालाजी धाम में सन्नाटा पसरा हुआ है और सीताराम मंदिर में सभी सतर्कता बरतते हुए सादगी से बंद कपाट में भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया गया।